Hello students, welcome to the Chance Edutech. I am Ashish Singh, your science teacher, and we are going to study about the second part of your sixth science chapter, which name is the cell. Students, आज आप लोग का जो chapter चल रहा है sixth chapter, जिसका नाम है the cell, इसके second part को लेके आपके सामने हम यहाँ पे हैं और आज हम लोग क्या करेंगे इसके second part भी यानी जो first part में जो topics left हो चुके थे जो बच चुके थे ठीक है उसी topics को हम लोग इस पार्ट में क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को थ्योरी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट के एक शॉर्ट रिव्यू पे ठीक है कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीज़ पढ़ें। तो फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे अपने सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में ठीक है कि हमारा सेल जो है वो क्या होता है। उसके बाद हम बात किए थे अपने सेल के टाइप्स वेराइटीज के बारे में वैराइटीज बात किए थे किसके किसके बेसिस पे नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ठीक है फिर हम लोग बात किए थे साइजेस के बेसिस पे फिर हम लोग बात किए थे शेप के बेसिस पे ठीक है। तो शेप साइज नंबर इस सब के बेसिस पे हम लोग क्या किए थे अपने वैराइटीज ऑफ सेल के बारे में बात किए थे ठीक है। अब इस नंबर के बेसिस पे हम लोग दो तरह के सेल के बारे में पढ़े थे। पहला हम लोग जाने थे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, दूसरा हम लोग जाने थे मल्टी सेलुलर ठीक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में ठीक है। उसके बाद से हम लोग स्टार्ट किए थे, ये हमारा वैराइटीज हो गया, सेल का साइज हो गया, सेल का नंबर पे हो गया ठीक है शेप पे हो गया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे अपने सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर में हम लोग बात किए थे किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात किए थे और हम लोग बात किए थे न्यूक्लियस के बारे में ठीक है न्यूक्लियस के बारे में बात किए थे। अब ये जो न्यूक्लियस है इसके भी आपके चार कंपोनेंट्स हैं ठीक है। सबसे पहला था आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है, दूसरा था आपका न्यूक्लियोप्लाज्म ठीक है, तीसरा है आपका न्यूक्लियस और चौथा था क्रोमोजोम, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स हम लोग के इस चैप्टर के जो फर्स्ट पार्ट बने हैं इस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या किए हैं क्लियर किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे अपने इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं ठीक है। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको हम पिछले पार्ट में भी बताए थे कि हमारे सेल के कुछ वेराइटीज थे, सेल के वेराइटीज का बेसिस क्या था, सेल के वेराइटीज का बेसिस था नंबर। नंबर के बेसिस पे हम लोग सेल के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनिजम्स को दो वेराइटी में बांटे थे, पहला था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर जो आपके एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं। अब हम लोग अपने सेल के टाइप्स को बांटेंगे अपने सेल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस का जो आउटर बाउंड्री होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते थे ठीक है, आप सब जानते हैं। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता था, हमारे न्यूक्लियस को हमारे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता था, हमारे न्यूक्लियस के जो इंटरनल कॉम्पोजिशन थे चाहे वो न्यूक्लियस हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म हुआ क्रोमोजोम हुआ, इसको क्या करता था हमारे साइटोप्लाज्म से सेपरेट करता था। तो देखिए बहुत पहले यानी कि अब तो बहुत सारा इवोल्यूशन हो गया है हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन बहुत सालों पहले सैकड़ों हजारों सालों पहले जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हुआ करते थे वो हमारे सेल्स जो हैं वो उनके सेल्स के अंदर के जो न्यूक्लियस हैं इस न्यूक्लियर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हुआ करता था ठीक है। आज भी आपके कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके न्यूक्लियस के आउटर बाउंड्री में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जिसके कारण उसके न्यूक्लियस उनके न्यूक्लियस के जो कॉम्पोजिशन है वो जाके साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाते हैं। तो ये हमारे न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है इसी के बेसिस पे हम लोग अपने सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला है यूकैरियोटिक सेल और पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्राचीन ठीक है, कैरियोटिक कैरियोट्स का मतलब होता है कि मेम्ब्रेन बाउंड, यानी प्राचीन समय में बहुत पहले हमारे सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता था, जिसके कारण उसके न्यूक्लियस के जो कॉम्पोजिशन होते थे वो डायरेक्ट जाके साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाते थे ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती थी आपके बहुत सारे जो फंक्शन है वो नहीं हो पाते थे ठीक है। तो अब उसी बेसिस पे कि हमारे सेल के पास हमारे सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है इसके बेसिस पे हमने अपने आप को अपने सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला होगा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होगा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक सेल आपके वैसे सेल होते हैं, ठीक है, या प्रोकैरियोटिक सेल आपके वैसे सेल होता है जिसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, और नहीं होने के कारण उस न्यूक्लियस के कंपोजिशन जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, डायरेक्ट मिक्स होते हैं, ठीक है। और जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग प्रोकैरियोट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल आपके वैसे सेल होते हैं जिस सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस न्यूक्लियस को बहुत ही अच्छी तरीके से साइटोप्लाज्म से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये यूकैरियोटिक सेल जिस ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं उस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के बेसिस पे हमारे सेल दो प्रकार के, एक हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा हो गया आपका यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जो डायग्राम है वो दिखाया है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कहीं भी न्यूक्लियस एनवेलप यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये आप सबसे, ये न्यूक्लियोइड है, ये आपका न्यूक्लियोइड यानी ये डीएनए है। अब ये डीएनए जो है, ये डीएनए जो है वो डायरेक्ट इस साइटोप्लाज्म में मिक्स है। ये डीएनए है इस साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट मिक्स है। क्यों मिक्स है भाई? क्योंकि ये जो डीएनए है यानी कि ये जो आपका न्यूक्लियस का कंपोजिशन है, इस न्यूक्लियस को कंपोजिशन को रोकने वाला कोई नहीं है। तो न्यूक्लियस के कंपोजिशन को हमारे न्यूक्लियस से बाहर निकलने से कौन रोकता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रोकता है। तो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर आपका कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके चलते ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इस सेल में आ जाइए, वो सब कुछ है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल है, गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस भी है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, जिसके कारण इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। अब दिखाते हैं कि कहां है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है। ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है, ये जो स्फेरिकल पार्ट है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो आपका स्फेरिकल पार्ट है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। और बाउंड्री पे देखिए यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है, यही क्या है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो ये जो सेल है, ये इस सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिसके चलते इसका जो शेप है बहुत ही सुइटेबल है, आइडेंटिकल है, बहुत ही आपका यूनिक है और परफेक्ट शेप है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। हम ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल हैं, ये सब क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। हम लोग के अंदर यूकैरियोटिक सेल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने सेल के न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है, इसके बेसिस पे जो हम लोग सेल को दो पार्ट में डिवाइड किए, पहला प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल, उसको तो पढ़ लिए। अब जो हम लोग पढ़ रहे थे अपने सेल के स्ट्रक्चर को, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग अपने इसके सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़े, न्यूक्लियस के बारे में पढ़े, अब हम लोग चलते हैं अपने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म बेसिकली आपका एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, एक जेली लाइक लिक्विड होता है, जो हमारे सेल के इंटरनल स्पेस को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करके रखता है। अब ये साइटोप्लाज्म का एरिया जो है बहुत बड़ा होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो हमारे सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए सेल है, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर ये मान लीजिए न्यूक्लियस है। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के अंदर ये जितने भी आपके जेली लाइक सब्सटेंस होंगे, ये सारे जेली लाइक सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, या जितने भी आपके फंक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं हमारे सेल के अंदर या फंक्शन होते हैं, ये सब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपके होते हैं। देखिए आपके बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, आप जो फूड इनटेक करते हो, ऑक्सीजन क्या करता है, उस फूड को क्या करता है, बर्न करता है, एनर्जी निकलता है। तो शुरुआत जो होता है आपके फूड का, वैसे तो आपका फाइनल जो एनर्जी निकलता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलता है, लेकिन इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस की जो शुरुआत होती है वो आपका इसी साइटोप्लाज्म से होती है। तो आपके सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फंक्शंस होते हैं, ये इसी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। अब बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं, और उस छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम लोग ऑर्गेनेल्स या सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से जानते हैं।
अब नेक्स्ट वही टॉपिक है अपना सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है? तो आपके सेल ऑर्गेनेल्स सेल के अंदर पाए जाने वाले आपके कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग सेलुलर कंपोनेंट्स के नाम से जानते हैं। ये सेलुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं, यानी कि ये सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमारे बॉडी को बहुत सारे डिफरेंट और स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स की आवश्यकता होती है, टिश्यू की आवश्यकता होती है, क्या करने के लिए, प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, इसी प्रकार से हमारे सेल को भी एक स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है, स्पेशलाइज्ड पार्ट्स की आवश्यकता होती है, क्या करने के लिए, अपने फंक्शन को करने के लिए। तो वो हमारे बॉडी के जो स्पेशलाइज्ड पार्ट है, वो हमारे ऑर्गेन है कि अगर हमको कोई काम करना होगा तो हम हाथ से करेंगे, चलना दौड़ना होगा तो पैर से करेंगे, बोलना होगा तो मुंह से करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे सेल के अंदर के जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं कि न्यूट्रिएंट को कौन देगा भाई, प्रोटीन को कौन देगा, डाइजेशन को कौन करेगा, कचरे को बाहर कौन निकालेगा, तो इस प्रकार से जो डिफरेंट डिफरेंट आपके फंक्शन है, तो इस सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शन को करने के लिए भी हमारे सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। अब यही सब जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सेल के अंदर इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब आपके क्लास में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप हम लोग पढ़ेंगे अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लोग राइबोसोम्स के प्रेजेंस के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब दूसरा होगा राइबोसोम्स, तीसरा होगा गोल्जी एपरेटस, चौथा होगा लाइसोसोम, और पांचवा माइटोकॉन्ड्रिया क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग अपने प्लास्टिड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ये सब कुछ के बारे में हम लोग अपने इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए वन बाय वन हम लोग अपने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग का सेल ऑर्गेनेल्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको नॉर्मली हम लोग ER बोलते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ये दो प्रकार का होगा। एक होगा SER, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होगा आपका RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रेटिकुलम एक स्मूथ क्यों है और एक आपका रफ क्यों है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपका एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है। ये सेल राइबोसोम्स जो होता है, एक खास प्रकार के ER से कनेक्टेड होता है। और ये राइबोसोम्स जिस ER से, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस रेटिकुलम के पास ये राइबोसोम नहीं होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब ये जो आपका ER है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो ER का फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, यानी हमारे सेल के अंदर जो प्रोटीन और लिपिड्स का जो फॉर्मेशन होता है, ब्रेकडाउन होता है, सिंथेसिस होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। साथ ही साथ ये ऑल्सो आपका प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए भी क्या करता है? हेल्प करता है। तो प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्प कैसे करेगा? तो आप थोड़ा सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें। देखिए, ये रहा आपके सेल का न्यूक्लियस, ये रहा सेल का न्यूक्लियस, और सेल का जो न्यूक्लियस है, इस सेल के न्यूक्लियस में एक साइड से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक साइड न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, और एक साइड जुड़ा होता है ये आपके किससे? साइटोप्लाज्म, यानी ये सेल मेम्ब्रेन और यहाँ पे साइटोप्लाज्म हो गए। ठीक है, तो जो भी आपका, अब देखिए, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके दो पार्ट हो गए। कौन कौन से बाबू? एक आपका ये वाला पार्ट, जहाँ पे ई आपका राइबोसोम मौजूद नहीं है, तो ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। ठीक है, और आपका ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे आपका राइबोसोम मौजूद है, तो ये आपका होगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो राइबोसोम्स जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे, तो राइबोसोम आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाएंगे, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट है। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी फंक्शन ये होता है कि ये क्या करते हैं? प्रोटीन के सिंथेसिस में या प्रोटीन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट में ये कैसे हेल्प करेंगे? तो आप साफ देख पा रहे हो कि एक साइड से ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस से जुड़ा है, और दूसरी साइड से यही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वो इस साइटोप्लाज्म से जुड़ा है। तो साइटोप्लाज्म से सब्सटेंस को न्यूक्लियस तक भेजना, या न्यूक्लियस से सब्सटेंस को साइटोप्लाज्म तक भेजना, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, चले,
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स यानी जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ बनाने में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। तो राइबोसोम जो होते हैं ये हमारे ER से आपके अटैच होते हैं। अब ये राइबोसोम जिस ER से अटैच होते हैं उसको हम लोग आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कहते हैं। और ये राइबोसोम जो होते हैं ER से अटैच होते हैं, और ER से अटैच होने के साथ साथ ये हमारे साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लोटिंग नेचर में होते हैं। यानी साइटोप्लाज्म में ये क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ये साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये किसी से मिलकर बने होते हैं, ये बहुत सारे प्रोटीन्स और RNA से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स और RNA से मिलकर बने होते हैं, और इसी कारण से ये क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आज जो हमारा राइबोसोम है ये प्रोटीन और RNA से मिलकर बने होते हैं, इसी कारण से ये क्या करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद, अपने ये राइबोसोम के बाद गॉल्जी अपैरेटस के बारे में। गॉल्जी अपैरेटस जो होते हैं ये आपके बहुत सारे फ्लैट और डिस्क शेप डिस्क शेप सैक, मतलब कि गोलाकार आपका कोई पाउच जिसमें कोई सब्सटेंस स्टोर हो सकता है, तो उसी को क्या बोलेंगे, डिस्क शेप्ड सैक बोलेंगे, जिसको बेसिकली हम लोग सिस्टर्न के नाम से भी जानते हैं, सिस्टर्न के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपका गॉल्जी अपैरेटस होता है ये आपका फ्लैट और आपके डिस्क शेप्ड सैक से मिल के बना होता है। और ये जो आपके डिस्क शेप सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, आपके पैरेलल एक दूसरे से अटैच होते हैं, पैरेलली एक दूसरे से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, ये जो आपका क्या है, सिस्टर्न है, यही आपका डिस्क शेप, यही आपका डिस्क शेप सैक है। अब देखिए ये क्या होते हैं, एक दूसरे से किस प्रकार से पैरेलली अटैच है, एक दूसरे से किस प्रकार से पैरेलली क्या होते हैं, अटैच होते हैं, यही आपका गॉल्जी अपैरेटस का सिस्टर्न है। ठीक है, अब देखिए इस गॉल्जी अपैरेटस का फंक्शन क्या होता है। गॉल्जी अपैरेटस का मेन फंक्शन होता है आपके मटेरियल्स को पैकेजिंग करना और साथ ही साथ प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, क्या क्या आपका फंक्शन होता है, जो भी आपके मटेरियल है उस मटेरियल को एक साइड से लेता है, पैक करता है और फिर दूसरे साइड को क्या करता है, देता है, या प्रोटीन को लेता है, प्रोटीन को पैक करके उसको मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करके वो क्या करता है, दूसरे साइड को देता है। तो ये जो फंक्शन है ये क्या है, हमारे गॉल्जी अपैरेटस का होता है। ठीक है, अब ये जो गॉल्जी अपैरेटस होते हैं ये एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा होते हैं, प्लांट सेल में ये दूसरे नाम से पाए जाते हैं, कम होते हैं और ये प्लांट सेल में दूसरे नाम से पाए जाते हैं। प्लांट सेल के अंदर जो गॉल्जी अपैरेटस होते हैं इनको हम लोग डिक्टियोसोम्स के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानेंगे, डिक्टियोसोम्स के नाम से जानेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइजोसोम्स के बारे में। ठीक है, अब लाइजोसोम्स क्या होते हैं, तो लाइजोसोम्स आपके बेसिकली आपका छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं या वेसाइकल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स का मतलब कि आपका समझिए तो पीट से है, होल से है। ठीक है, तो लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये आपके स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं या वेसाइकल्स होते हैं जो इस साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। राइजोसोम्स जो होते हैं ये आपके, इनके अंदर जो है वो डाइजेस्टिव इंजाइम भरे होते हैं। डाइजेस्टिव इंजाइम यानी कि वैसे लिक्विड, वैसे जूसेस या वैसे इंजाइम जो किसी सब्सटेंस को ब्रेक करने में हेल्पफुल हो, डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल हो। ठीक है, अब देखिए सिर्फ एनिमल सेल के पास ही लाइजोसोम्स होता है। लाइजोसोम्स का काम ये होता है कि दे हेल्प इन द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ वर्न आउट सेल्स एंड आर ऑल्सो सुसाइडल बैग्स। ये जो लाइजोसोम्स होते हैं इनका काम ये होता है कि ये जो हमारे सेल के अंदर जो सब्सटेंस खराब हो चुका है, जो आपके सेल का पार्ट आपका डैमेज हो चुका है, उसको हमारे सेल के अंदर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। कैसे, अब लाइजोसोम्स को हम लोग सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जानते हैं। लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग के नाम से क्यों जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि लाइजोसोम्स क्या करता है, जो आपके वर्न आउट सेल है या आपके डैमेज सेल का पार्ट है उसको बाहर निकालने के लिए अपने आप को बर्स्ट कर देता है, अपने आप को क्या करता है वो बर्बाद, अपने आप को क्या करता है, फोड़ देता है, बर्स्ट कर देता है। ठीक है, अपने आप को जब वो क्या करेगा, बर्स्ट करेगा, तो उसके अंदर से वो डाइजेस्टिव इंजाइम निकलेंगे और वो डाइजेस्टिव इंजाइम क्या करेंगे, जो आपके वर्न आउट सेल होंगे, जो भी आपके डैमेज सेल के पार्ट होंगे, उस डाइजेस्टिव इंजाइम की मदद से वो क्या होगा, उस सेल के बाहर से बाहर निकलेगा। इसीलिए हम लोग लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपना मौत वो खुद करता है। ठीक है, अपना बैग को बर्स्ट करेगा, अपने आप को बर्स्ट करेगा, उसमें से आपके क्या निकलेंगे, डाइजेस्टिव इंजाइम निकलेंगे और वो डाइजेस्टिव इंजाइम हमारे सेल के अंदर जो भी आपके डैमेज पार्ट हैं, वर्न आउट सेल्स हैं, उसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए लाइजोसोम्स आपका वेस्ट मटेरियल को भी डाइजेस्ट करता है, यानी कि बाहर निकालता है और तोड़ता है, और फूड को भी डाइजेस्ट करता है या ब्रेक करता है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए गॉल्जी अपैरेटस या लाइजोसोम्स।
अब लाइजोजोम्स के बाद हम लोग बात करेंगे वैक्यूल का, ठीक है। कि वैक्यूल क्या होता है, तो वैक्यूल आपका मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, फ्लूइड से भरा हुआ एक आपका पाउच होता है, ठीक है। जो वैक्यूल है वो मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड, यानी कि मेम्ब्रेन से घिरा हुआ और फ्लूइड से भरा हुआ एक पाउच होता है, एक सैक होता है। वैक्यूल्स जो है ये जनरली इसके अंदर क्या भरा होता है, तो वैक्यूल्स के अंदर आपका वाटर होता है, सैप होता है या अदर मटेरियल्स होता है जो आपके प्लास्टिक के यूजफुल के लिए नहीं होता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि वैक्यूल्स आर जनरली यूज्ड टू स्टोर वाटर। वैक्यूल्स का काम क्या है, वाटर को स्टोर करना, सैप को स्टोर करना या ऐसे मटेरियल्स को स्टोर करना जो सेल के यूजफुल के लिए ना हो, जो सेल के यूजफुल के लिए ना हो, ठीक है। अब प्लांट सेल जो होते हैं इनके पास एक आपका बहुत बड़ा वैक्यूल होता है और ये वैक्यूल जो है ये प्लांट सेल को टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के पास बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन छोटे छोटे साइज के वैक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे वैक्यूल्स होंगे लेकिन छोटे छोटे साइज के वैक्यूल्स होंगे, ठीक है। चलिए अब वैक्यूल्स के बाद नहीं है, वैक्यूल के बाद हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका ये भी एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, मेम्ब्रेन से बाउंड हुआ एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है इसीलिए हमारे दोनों में, यानी प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में जो जब एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी बनता है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। यानी ये जो सेल का आपका सेल ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, इसी के अंदर वो एनर्जी जो है वो रिलीज होता है। अब एनर्जी रिलीज करने का काम फूड से ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसीलिए हम लोग इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानेंगे। अब देखिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया में दो आपके मेम्ब्रेन हो गए, एक आपका हो गया इनर मेम्ब्रेन और एक ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन। ये आपका हो गया इनर मेम्ब्रेन और ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के और कंपोजिशन है, ये आपका क्रिस्टे हो गया और ये आपका मैट्रिक्स हो गया। इस सबको आपको 9th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी आप लोग नाम जानो 9th क्लास में इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे और मैट्रिक्स का क्या काम होता है ये भी आपको बताया जाएगा। चलिए कुछ और भी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं सेंट्रोजोम्स की, सेंट्रोजोम क्या होता है। सेंट्रोजोम आपका एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल होता है जो सिर्फ आपके एनिमल सेल में पाया जाता है और ये जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के वक्त ये क्या होते हैं, आपके एक्टिव होते हैं। सेल डिवीजन का मतलब होता है कि जब आपका कोई सेल अपने आप को डिवाइड करके और अपने नंबर को क्या करे, इंक्रीज करे, उसी को हम सेल डिवीजन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होते हैं ये आपके तीन तरह के होते हैं, ये प्लांट सेल में पाए जाते हैं। पहला होता है ल्यूकोप्लास्ट, प्लास्टिड का पहला पार्ट हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये आपका कलरलेस प्लास्टिड होता है। ल्यूकोप्लास्ट के पास कोई कलर नहीं होता है और कोई कलर ना होने के चलते ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या हमारे प्लांट्स के रूट्स में प्रेजेंट होते हैं या हमारा जो अंडरग्राउंड आपका स्टेम होता है, इस अंडरग्राउंड स्टेम में प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। क्या काम करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि प्लास्टिड के कितने टाइप हो गए, तीन। पहला हो गया ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्रोमोप्लास्ट और तीसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो ल्यूकोप्लास्ट आपका कलरलेस प्लास्टिड है जो या तो रूट में प्रेजेंट होगा या जो हमारा स्टेम अंडरग्राउंड जो आपका स्टेम मॉडिफाई किया जाता है वहां प्रेजेंट होगा। और ये आपका जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे टाइप्स पे हम लोग आते हैं। दूसरा टाइप से क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आपके कलर्ड प्लास्टिक होते हैं, लेकिन ये किस कलर के प्लास्टिक होते हैं, ये रेड और येलो कलर के प्लास्टिक होते हैं। रेड और येलो कलर के होने के चलते ये क्या करते हैं, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स और फ्रूट्स में प्रेजेंट इसलिए होते हैं क्योंकि फ्लावर्स और फ्रूट्स को एक कलर प्रोवाइड करना होता है, लाल फूल, पीला फूल। तो ये लाल फूल और पीला फूल जो होता है वो इसी क्रोमोप्लास्ट के प्रेजेंट होने के कारण होता है, ठीक है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये आपका ग्रीन होता है। ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। अब क्लोरोफिल के पास ये एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को ट्रैप करता है, इसीलिए आपका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है और ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेंगे और बाकी भी जगह से जो वाटर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है,
ये सब इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर आता है और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर सारे रॉ मटेरियल्स आपके इकट्ठा होते हैं, तो फूड का जो बनना है, फूड का जो प्रिपरेशन होता है वो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे प्लास्टिड के क्या हो गए, तीन आपके टाइप हो गए, एक ल्यूकोप्लास्ट, एक क्रोमोप्लास्ट और एक आपका हो गया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इस अपने चैप्टर के कंक्लूजन पे आ गए कि हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में कंपैरिजन क्या है। कंपैरिजन इन द सेंस कि कौन सा सेल ऑर्गेन, कौन सा आपका कंपोजिशन, कौन सा कंपार्टमेंट, कौन सा आपका पार्ट प्रेजेंट है सेल एनिमल में तो एब्सेंट है आपके प्लांट में, या प्लांट में प्रेजेंट है तो एनिमल में एब्सेंट है। बहुत सारे हम लोग देखे भी थे। अब देखिए, ये जो आपका रेड कलर का सेल है ये एनिमल सेल है, ये जो ग्रीन कलर का सेल है ये आपका प्लांट सेल है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं इसमें कि कौन कौन से पार्ट आपके कॉमन है। तो सबसे पहला होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपके दोनों में होते हैं, प्लांट में भी और एनिमल में भी। न्यूक्लियस के जो आपके कंपोजिशन है जैसे न्यूक्लियर पोर, ये प्लांट में भी होंगे एनिमल में भी होंगे। न्यूक्लियर इन्वेलप यानी कि आपका मेम्ब्रेन प्लांट में भी होगा एनिमल में भी होगा। न्यूक्लियस प्लांट में भी होगा एनिमल में भी होगा। क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का मतलब होता है कि क्रोमोजोम, जो हमारा क्रोमोजोम है वो क्रोमैटिन मटेरियल से मिलकर बनता है, जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर आपको बताए थे। तो ये जो क्रोमैटिन है ये प्लांट के अंदर होते हैं, एनिमल के अंदर भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, ये भी आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर होते हैं। वैक्यूल प्लांट में और एनिमल में थोड़ा सा, वैक्यूल प्लांट में बड़ा होता है एनिमल में छोटा छोटा होता है। ठीक है, राइबोसोम्स, ठीक है राइबोसोम्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपका लाइजोसोम्स हो गया, गोल्जी अपैरेटस होता है। तो राइबोसोम्स या लाइजोसोम्स ये भी हमारे प्लांट और एनिमल दोनों में होंगे, गोल्जी अपैरेटस जो है ये हमारे प्लांट में एनिमल में दोनों में होंगे। लेकिन हाँ, गोल्जी अपैरेटस जो प्लांट में होंगे उनका दूसरा नाम होगा डिक्टोजोम आपका नाम होगा। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी आपके दोनों में होंगे, आपका SER और RER प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा। ठीक है, अब हम आते हैं वो चीज जानेंगे कि कौन आपका नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिड, जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है या आपका ल्यूकोप्लास्ट है। ये आपका प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है। ठीक है, ये आपका एनिमल सेल में नहीं होता है। एनिमल सेल में आपके क्रोमोजोम हो, ये आपके क्रोमोजोम होते हैं जो प्लांट सेल में नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका डिफरेंस था प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, चलिए अब इसी सारे कंपैरिजन पे हम आपका क्या करें, यहाँ पे डिफरेंस का बात किए कि हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला है कि जो सेल वाल आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो हमारे सेल को रिजिडिटी देता है, सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब हमारे एनिमल सेल में कोई सेल वाल नहीं होता है, डायरेक्ट आपका क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है जो हमारे सेल का आउटर कवरिंग होता है। नेक्स्ट है आपका वैक्यूल। वैक्यूल जो होता है हमारे प्लांट सेल में सिंगल होता है और बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि ये प्लांट सेल का सेंटर पार्ट को भी ये क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। और प्लांट सेल के सेंटर पार्ट को ये कैप्चर करता है तो जो हमारे प्लांट सेल के सेंटर में होते हैं न्यूक्लियस और आपके साइटोप्लाज्म भी हमारे प्लांट सेल के बाउंड्री के पास चले जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज साइज ऑफ वैक्यूल इन द सेंट्रल पोजिशन। ठीक है, अब जो हमारे एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे साइज के होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं कहाँ पे, हमारे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये तीन तरह का होता है। ठीक है, ये हमारे प्लांट सेल में होता है और इसी प्लास्टिड का जो तीसरा पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, इस क्लोरोप्लास्ट के पास ये क्लोरोफिल होता है और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस के चलते ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये हमारा फोटोसिंथेसिस का साइट बन जाता है। ठीक है, प्लास्टिड जो है ये हमारे एनिमल सेल में एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइजोसोम्स जो है ये आपका प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन लाइजोसोम्स जो है वो हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और ये लाइजोसोम्स जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम का काम, डाइजेस्टिव एंजाइम को कंटेन करता है और सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म का नेचर। तो साइटोप्लाज्म जो होते हैं हमारे प्लांट सेल के, ये आपके क्या होते हैं, थिन होते हैं एंड पुश टू द पेरिफेरी ड्यू टू द सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, अब ये आपका पेरिफेरी यानी साइड में क्या होते हैं, आपके पुश कर दिए जाते हैं। साइड में क्यों पुश कर दिए जाते हैं, क्यों, क्योंकि सेंटर में अभी आपको बताया है क्या होता है, वैक्यूल अपना सेंट्रल पोजीशन को एक्वायर कर लेता है तो सेंटर में जो सब्सटेंस होंगे वो उसको पेरिफेरी यानी साइड में क्या हो जाएंगे, वाल्स के साइड में क्या हो जाएंगे,
पुश कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डेंस होते हैं, घने होते हैं, और ये साथ साथ पूरे सेल में क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्म तरीके से हमारे सेल में आपके फैले हुए होते हैं, स्प्रीडिंग नेचर में होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कंपेरिजन था बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल में। ठीक है, और यहाँ पे आके बाबू हमारा जो ये चैप्टर है द सेल, ये दो पार्ट में आके यहाँ पे क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और इस पार्ट टू में हम लोग बेसिकली अपने जितने भी सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको क्लास एट में पढ़ना था उसको पढ़ के हमने क्या किया, कंप्लीट किया। यानी कि हमने सबसे पहले बात किया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें दो तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थे, एक आपका था RER और एक आपका था SER। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात किए थे राइबोसोम्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात किए अपने गोल्जी अपरेटस के बारे में, उसके बाद हम लोग बात किए लाइजोजोम्स के बारे में, फिर हम लोग बात किए ऐसे ही अपने क्रोमोजोम्स, प्लास्टिड, ठीक है, इन सब के बारे में बात किए, और ऐसे करके अपने इस पार्ट को हमने क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, तो अब आपसे हम लोग मिलते हैं अपने साइंस बुक के अगले चैप्टर के पार्ट वन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और मन लगा कर पढ़ाई करिए।